इन दिनों सांवेर विधानसभा को लगातार विकास कार्यों की सौगात मिलने का सिलसिला जारी है, जहां एक बार फिर से सांवेर विधानसभा में शासकीय महाविद्यालय के लैब भवन का लोकार्पण किया गया, तो वहीं नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा को मिली बड़ी सौगात, मंत्री तुलसी सिलावट ने लगाई विकास कार्यों की झड़ी, शासकीय महाविद्यालय के लैब भवन का लोकार्पण, महाविद्यालय के नवीन भवन का हुआ भूमि पूजन। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के प्रयासों से सांवेर को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय सांवेर के लिए स्वीकृत 1,58,00,000 रुपए की लागत से 2 मंजिला नवीन कंप्यूटर लैब का निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण एवं पुराने भवन का रिनोवेशन कार्य किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री तुलसी सिलावट ने शासकीय महाविद्यालय सांवेर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावंत सोनकर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना सतीश मालवीय, मंत्री प्रतिनिधि और समाज सेवी अशोक गोयल, कौटिल्य एकेडमी के MD सिद्धांत जोशी समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सांवेर के विधायक और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के प्रयासों से 3,87,00,000 रुपए की लागत से कक्षाओं हेतु 6 अतिरिक्त कक्षों के नवीन भवन की स्वीकृति मिली है, जिसका भूमि पूजन भी मंत्री द्वारा किया गया। ये उस सोच का, उस चिंतन का, उस समर्पण का सौगात है जो 1986 और 1987 के बीच में हमने सपना देखा था। मात्र 35 विद्यार्थियों से हमने ये महाविद्यालय प्रारंभ किया, आज 1200। आज मालूम आपने जो शिक्षा उज्जैन में मिले, जो इंदौर में मिले, वो सारी सुविधाएं मेरी बेटी और बेटों को मेरे सांवेर के महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय में उपलब्ध की जाएगी। ये मेरा संकल्प था, वो आज पूरा हुआ। एक पौधा वट वृक्ष हो गया। करोड़ों की सौगात भवन से लेकर, लेब से लेकर सब, और PG स्नातकोत्तर ये महाविद्यालय घोषित हो गया है। जो जो मांग हमने रखी थी बेटी की तरफ से इस हमारे राष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और सांवेर के भविष्य की तरफ से, शिक्षा में परिवर्तन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध उन्होंने हमारा सांवेर वासियों की ओर से स्वीकार किया। मैं पूरी सांवेर की ओर से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने एक उपकार किया है। जो मांगो सब दूंगा। नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी ने अपने जिस महाविद्यालय को स्टार्ट कराया था, आज उस महाविद्यालय में 1200 से ऊपर छात्र संख्या भी है। सभी प्रकार के कोर्सों के साथ ये बहुत अच्छा विद्यालय का संचालन, महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। कई सारे नए कोर्स की आज मैंने यहाँ घोषणा की है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सांवेर का महाविद्यालय सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय में सम्मिलित हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों सांवेर विधानसभा को लगातार विकास कार्यों की सौगात मिलने का सिलसिला जारी है, जहां एक बार फिर से सांवेर विधानसभा में शासकीय महाविद्यालय के लैब भवन का लोकार्पण किया गया, तो वहीं नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।